नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 29 मार्च, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने दी चैती छठ की शुभकामनाएं। कोरोना के बीच आए चैती छठ के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने प्रदेशवासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं दी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने कहा है कि छठ का पर्व है जिसमें लोग आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्ताचल और उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। हम आशा करते हैं कि इस बार का छठ राज्यवासियों के लिए शांति लेकर आए। कोरोना में ड्यूटी ना करने वालों को भी मिलेगा वेतन। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए वर्तमान में हालत असामान्य हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी नागरिकों के हित में अहम ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे लोगों का वेतन न काटे जाने का सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय को आदेश जारी किया है, जिसके तहत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोरोना की वजह से कोई सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कर्मी ड्यूटी पर नहीं आते हैं तो उनका पूरा वेतन दिया जाए। विदेश से आए सभी लोगों की बिहार में दोबारा से होगी स्क्रीनिंग। विदेश से लौटकर बिहार आने वाले लोगों के नए सिरे से स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो लोग 10 मार्च के बाद बिहार लौटे हैं। यह ज्ञात हो, बिहार सरकार का फैसला बिहार में कोरोना के पॉजिटिव मामलों के बढ़ते असर को देखते हुए लिया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने वर्तमान समय में सभी वार्ड पार्षदों को अपने इलाके में खाद्य सामग्री का भी ध्यान रखने की अपील की है। नियोजित शिक्षकों को सरकार ने जनवरी तक का वेतन देने का किया ऐलान। कोरोना के बढ़ते असर के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़कों पर उतरे नियोजित शिक्षकों को जनवरी महीने तक का वेतन देने का ऐलान जारी किया है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखते हुए दी है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इस पत्र में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि देश में 21 दिनों के बंद को देखते हुए विशेष परिस्थितियों में सरकार ने वेतन देने का फैसला लिया है। कोरोना की जांच के लिए RMRI को मिल गया किट। बिहार में लगातार कोरोना के मामले में हो रहे इजाफे के बीच बिहार के RMRI में कोरोना की जांच के लिए किट को उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी है। इसके आगे उन्होंने बताया है कि अब तक बिहार में कोरोना के 9 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं संजय कुमार ने चमकी के भी एक बार फिर से होने की आशंका जताई है। रास्ते में फंसे लोगों के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। कोरोना के कारण अचानक से बंद के आदेश के बाद अब लोग पैदल ही अपने घर का रास्ता नापने लगे हैं। इसी क्रम में लोगों की मदद के लिए श्रम संसाधन विभाग के अधिकारी ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात सहित अन्य राज्यों में अप्रवासी बिहारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रास्ते में रह गए लोग 011-237-9-2009, 011-237-4326, 011-230-13884 नंबर पर कॉल करके मदद की गुहार लगा सकते हैं। हम एक बार फिर से इस नंबर को दोहरा दें, 011-237-9-2009, 011-230-14326, 011-230-13884। कोरोना के मद्देनजर ICSE ने सभी छात्रों के लिए लिया अहम निर्णय। ICSE ने हाल ही में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अहम सूचना जारी की है, जिसके तहत ICSE ने यह साफ कहा है कि 2020 की बोर्ड परीक्षा में अगर छात्र दो विषय में फेल हो जाएंगे तो भी उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ज्ञात हो, यह नियम 10वीं और 12वीं दोनों के लिए लागू होता है। बोर्ड की माने तो कोरोना की वजह से छात्र बिना वजह परेशानी का सामना कर रहे थे, छात्रों की परेशानी को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि बोर्ड ने साफ कर दिया है कि सभी छात्रों को अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य होगा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार की 90% आबादी को पीएम पैकेज का लाभ देने का दिया आश्वासन। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हाल ही में कोरोना के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अहम ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने राज्य के 90% आबादी को पीएम पैकेज का लाभ पहुंचाने का आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार द्वारा घोषित 1.70 लाख करोड़ के पीएम पैकेज के तहत बिहार के 1.6 करोड़ राशन कार्ड धारक परिवारों को भी अगले 3 महीने का मुफ्त में दोगुना राशन देने का भी ऐलान किया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 14 अप्रैल तक कोरोना पर काफी हद तक पालेंगे नियंत्रण। कोरोना के बढ़ते असर के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में अपना एक अहम बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 14 अप्रैल तक कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार के सभी अस्पतालों में किसी भी तरह की किट की कोई कमी नहीं है और न आगे होगी। इसके साथ ही मंगल पांडे ने बचाव में लगे सभी डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ का भी धन्यवाद किया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के कर्मचारियों ने दिया अपना एक दिन का वेतन। कोरोना के फैलते स्थिति में हर कोई हर संभव मदद करने के लिए आगे आ रहा है। इसी क्रम में हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने एक दिन का वेतन दान में दिया है, जिसमें सभी के वेतन को मिलाकर 12 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए हैं। खबरों की माने तो दान करने में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी समेत तमाम रेलवे डिवीजन, मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, समस्तीपुर और सोनपुर का नाम शामिल है। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने 2.5 लाख रुपए का दिया दान। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन ने हाल ही में मुख्यमंत्री राहत कोष में
कोरोना से बचाव में लगी सरकार की मदद के लिए 2.5 लाख रुपए दान में देने का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 2.5 लाख की राशि प्रदान की है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ईशान किशन मुंबई इंडियंस की ओर से आईपीएल प्लेयर, विकेट कीपर और बल्लेबाज है। वहीं उनके बिहार के नाते की बात करें तो ईशान किशन मूल रूप से पटना के कंकड़बाग के रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने जारी किया अपना पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने हाल ही में अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके तहत पटना समेत राज्य के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विभोक्ष के कारण बारिश की संभावना बनी है। बनारस की तरफ से बादल बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, इसके बाद से पुरवैया हवा भी चलने लगी है, जिसके अनुसार अब बिहार के कई जिलों में आने वाले 1-2 दिनों में बारिश हो सकती है। कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आई राबड़ी देवी। कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए अलग अलग से कई सारे मदद आ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अब अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए 1 करोड़ रुपए की राशि दान में दी है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने आधिकारिक वेबसाइट से शेयर की है, जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ की धनराशि कोरोना के उपचार एवं रोकथाम में प्रयोग होने वाले उपकरणों के लिए मैं दे रही हूँ। कोरोना में मदद के लिए आगे आया बिहार पुलिस एसोसिएशन। कोरोना की स्थिति से फिलहाल काफी सारे मदद आ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी कोरोना की स्थिति से निकलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसके तहत बिहार पुलिस एसोसिएशन के सदस्य अपने वेतन से 1000 की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में देने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने खुद मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। 3 दशक बाद शुरू हुए रामायण को देखने में बुजुर्गों का दिखा उत्साह। 3 दशक बाद शुरू हुए रामायण को देखने के लिए एक बार फिर से बुजुर्गों और महिलाओं का अलग उत्साह देखने को मिला, जिसके तहत बीते दिन सुबह 9 बजते ही काफी बुजुर्ग और महिलाएं टीवी पर बैठती नजर आए। वहीं उसके बाद रात को भी 9 से 10 के बीच में बुजुर्गों का उत्साह देखने लायक रहा। ज्ञात हो यह वही रामायण है जो 80 के दशक में काफी ज्यादा मशहूर हुआ करता था। केरल में रहे वैसे तो सरकार और विपक्षी दल हमेशा एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हैं, मगर कोरोना की स्थिति में सरकार और विपक्षी दल एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में विपक्षी दल सरकार की हर संभव मदद भी कर रही है, वहीं सरकार भी विपक्षी दलों की मांग को सुनकर उस पर तुरंत काम भी कर रही है। इसी का प्रमाण है हाल ही में तेजस्वी यादव ने केरल में रह गए 400 मजदूरों की मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई थी, जिसके बाद क्या था, सरकार ने भी देर ना करते हुए केरल में रह गए 400 मजदूरों को राशन पानी भिजवाने का काम किया। बिहार में युवाओं में भी कोरोना के होने की हुई पुष्टि। जहां एक ओर कोरोना पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत में भी कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक जो यह धारणा बनी हुई थी कि कोरोना सिर्फ बुजुर्गों में ही हो रही है, मगर अब बिहार में हाल ही के कुछ मामले को देखें तो यह धारणा भी गलत साबित हो गई है, क्योंकि बिहार में अब तक यह पाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा मामलों की आयु जो है वो 40 वर्ष से कम है। बिहार में बाहर रह गए बिहारियों को वापस बुलाने के लिए चिराग पासवान ने की अमित शाह से गुहार। बिहार से बाहर रह गए बिहारियों को वापस बुलाने के लिए लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद अब अमित शाह से गुहार लगाई है, जिसके तहत चिराग पासवान ने ट्वीट कर कहा है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे बिहार के लोग अन्य प्रदेशों में रहने और खाने पीने की समस्या का सामना कर रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार की तरह अन्य प्रदेशों में रह रहे बिहार के लोगों को बिहार में वापस लाया जाए। AES पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की समीक्षा बैठक। कोरोना के बढ़ते असर के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से AES की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी जानकारी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी दी थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक की है, साथ ही अपने अधिकारियों से अभी से तैयारी शुरू करने की अपील की है। वहीं पिछले साल की बात करें तो पिछले साल AES की वजह से 150 लोगों की जान चली गई थी। बंद में रह गए लोगों के लिए कुशवाहा ने खोला अपने घर का दरवाजा। पूरी दुनिया में कोरोना इस समय में परेशानी का सबब बना हुआ है। इसी क्रम में हाल ही में लोजपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सभी लोगों से अपील करते हुए यह कहा है कि जिन लोगों को खाने और रहने की समस्या है, उनके लिए मैं अपने घर का दरवाजा खोल रहा हूँ, बस वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जिनके पास रहने की कमी है वह मेरे घर में आकर रह सकते हैं, जिसकी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके दी है। बिहार में कोरोना के एक और मामले की हुई पुष्टि। बिहार में कोरोना के एक और मामले की पुष्टि हो गई है। खबरों की माने तो पटना के RMRI अस्पताल में बीते शाम को एक 24 वर्षीय महिला के पॉजिटिव होने की खबर सामने आई है। इसके बाद बीते शाम तक बिहार में 10 लोगों में कोरोना के होने की पुष्टि हुई है। कोरोना के बढ़ते असर के बीच में बैंकिंग सेवाएं रहेंगी जारी। कोरोना के बढ़ते असर के बावजूद बैंकिंग सेवाओं को जारी रखने का आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इन लोगों को बैंकिंग से संबंधित कोई परेशानी ना हो, इसीलिए सभी बैंक निर्धारित समय पर खोले जाएंगे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंक में काम कर रहे सभी कर्मियों की सराहना की है। कोरोना के रोकथाम के लिए अब गिरिराज सिंह ने दान की राशि। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए हर कोई अपनी तरफ से राहत के लिए राशि दान में दे रहा है। इसी क्रम में बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने भी 50 लाख रुपए अपने संसदीय क्षेत्र में दान किया है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा की है।
पटना में एलपीजी गैस सिलेंडर की सूची हो गई है लंबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद के ऐलान के बाद पटना में घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी की सूची लंबी होती जा रही है। अभी फिलहाल 13 मार्च को नंबर लगाने वालों को गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। वही वेंडर भी अपनी तरफ से वर्तमान समय में 18,000 सिलेंडर की होम डिलीवरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गैस वेंडरों को तमाम तरह की सुरक्षा भी दी जा रही है। महेंद्र सिंह धोनी के कोच ने धोनी की वापसी को लेकर दिया बड़ा बयान। महेंद्र सिंह धोनी को उनके बचपन के क्रिकेट सिखाने वाले कोच केशव रंजन बैनर्जी ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी की वापसी को लेकर अहम बयान दिया, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आईपीएल कैंसिल होने के बावजूद टी20 विश्व कप के लिए महेंद्र सिंह धोनी की वापसी जरूर होगी। हालांकि धोनी की वापसी 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल के बाद होने की संभावना जताई जा रही थी, मगर आईपीएल के स्थगित होने के बाद धोनी की वापसी को लेकर भी संशय की स्थिति बन गई थी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट में अच्छा लगा उनके नाम है ऋषिकेश कुमार, सुलोचना झा, देव कुमार यादव, धनंजय कुमार, शिव प्रधान, रवि कुमार, अयान कुमार, रमेश कुमार, मिथुन मंडल, आदर्श कुमार, सौरभ सम्राट, सलीम भाई। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत में फैलते कोरोना प्रभाव को देखते हुए इस पर विजय पाने में और कितना समय लग सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।